हेलो गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है आपके एरे। क्या नाम है? एरे। एरे के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा है वो है आपके एरे किसे कहते हैं, 1D एरे किसे कहते हैं, 2D एरे किसे कहते हैं। और 1D एरे का डिक्लेरेशन देखा था हमने और सिंटेक्स एग्जांपल देखा, और 2D एरे का भी हमने सिंपल सिंटेक्स एग्जांपल और आपके प्रोग्राम देखा। अभी तक हमारा जो काम हुआ वो है 1D और 2D एरे तक का हो गया है, जिसमें हमने सिंटेक्स प्रोग्राम्स देख ली सिंपली। ठीक है, अब आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एड्रेस इन एरे, मतलब एरे की एड्रेस की गणना करना। मैं हिंदी में आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले हो तो एरे में एड्रेस की गणना करना। ठीक है, ये आज का आपका जो है टॉपिक है, और कौन सा है? एरे में एड्रेस की गणना करना, 1D एरे में एड्रेस की गणना करना, एरे में एड्रेस की गणना करना, ये भी दो भागों में, 1D एरे 2D एरे। हमारा जो है आज का जो कार्य है और आज का जो टॉपिक है हमारा जो क्या, 1D एरे के अंदर, 1D एरे मतलब 1D एरे के अंदर आपके जो है एरे के एड्रेस की गणना करना है, कि हमें किस प्रकार से एरे का एड्रेस जो है गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, और ध्यान ये देना आपको कि इसमें जो है थोड़ा सा प्रोग्राम नहीं होकर इसमें क्या मैथमेटिकल वाला जो है फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है वो देखिए सबसे पहले कि आपका फॉर्मूला क्या लगता है इसमें। देखिए सूत्र, देखिए आप सूत्र जो इसमें लगता है, हमें जो निकालना था वो AI निकालना होता है। आप इस चीज़ से परिचित हैं, इंट्रोड्यूस है कि हमारे जो 1D में जो था वन सबस्क्रिप्ट होता है, तो हमारा जो AI निकालते हैं हमेशा। ठीक है, AI निकालते हैं, तो इसका निकालने के लिए सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, B प्लस W मल्टीप्लाई I माइनस LB, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा देखिए AI तो वो है जो हमें निकालना है, ठीक है, जिसका सबस्क्रिप्ट B प्लस W I माइनस LB। अब देखिए इसमें एक चीज़ को अच्छे से, कि यहाँ पर जो है वो B का मतलब क्या होता है, W का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है, LB का मतलब क्या होता है, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए आप B बराबर जो होता है वो होता है आधार पता। क्या होता है? आधार पता। और W बराबर देखिए क्या होता है, W बराबर जो आपके होता है वो होता है एरे में उपस्थित है। क्या होता है? एरे में उपस्थित क्या होता है, आपके एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज बाइट। क्या होती है? एरे में उपस्थित एक क्या होती है, एरे में उपस्थित एक तत्व की, एक तत्व की स्टोरेज बाइट, स्टोरेज बाइट। ये किस में होती है आपके, यहाँ पर ये बाइट में होती है, किस में होती है ये, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पर बाइट में। ठीक है, उसके बाद में जो आपका आता है वो आता है आई, क्या आता है आपके, आई आता है, क्या आता है आपके, आई आता है। आई का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें जिसमें तत्व का, जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना, मतलब जिसमें आपके तत्व का क्या करना, पता ज्ञात करना, पता ज्ञात करना है
उसका उसका क्या हो गया सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट ये आपके हो गए यहाँ तक, ठीक है। ये मैं अच्छे समझा देता हूँ अभी आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एलबी एलबी देखिए यहाँ पर जो एलबी होता है वो क्या होता है, एलबी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि निचली सीमा क्या होती है, निचली सीमा या ज्ञात न होने पर, मतलब दिया हुआ नहीं है, ज्ञात ना होने पर या नहीं होने पर, होने पर शून्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, ठीक है। मतलब आपको जो है क्या मानोगे आप यहाँ पर, जीरो मानोगे, जीरो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य। यहाँ पर शून्य ओ नहीं, शून्य माना जाएगा। अब देखिए आपके यहाँ पर दो दो चार चीज़ें, और देखिए हमें जो ज्ञात करनी है वो भी क्या है, चार चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी डब्ल्यू आई एल बी, ठीक है। आपके यहाँ पर इसमें जो दी हुई है आपको क्या देखना है, क्या चीज़ चेक करनी है आपको यहाँ पर जो है वो चार चीज़ चेक करनी है। एक तो बी, ठीक है, क्या करनी है आपको, एक तो बी ज्ञात करनी है, और एक आपको जो है डब्ल्यू ज्ञात करना है, एक आपको आई होना चाहिए आपके पास, एक आपके एल बी होना चाहिए। देखिए बी का मतलब होता है आधार पता, अभी तो समझा दूंगा। डब्ल्यू मतलब एरिया में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज बाइट बाइट में, और मतलब जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना उसका सबस्क्रिप्ट, और बी एल बी एन सीमा ज्ञात न होने पर। अब देखिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखिए कि इस क्वेश्चन के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। एक एरे क्या, एक एरे 1300 से हो गया, 1300 से यहाँ पर हो गया 1900 का आधार पता, का आधार पता 1020 कितना है आपके, एक एरे 1300 से 1900 का आधार पता 1020, और प्रत्येक तत्व का और प्रत्येक तत्व का और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में, और प्रत्येक तत्व का आकार आकार मेमोरी में एक में आपके मेमोरी में 2 बाइट के क्या हो गया, मेमोरी में 2 बाइट के रूप में के रूप में, ठीक है। बी यहां पर लिख देते हम, बी 1700 क्या, बी 1700 यहां पर, इसके बाद क्या होगा, बी 1700 का पता ज्ञात कीजिए, ये आपके क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन है यहाँ पर है, कि एक एरे क्या, एक एरे 1300 से 1900 का आधार पता 1020 और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट के रूप में, तो 1700 का पता गणना कीजिए, क्या करना है हमें, पता गणना करना। अब देखिए यहाँ पर
मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। ये तो आपका वाला जो क्या है फॉर्मूला है, क्या आपका फॉर्मूला है, और आपको इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ रखनी है ना उसका मतलब क्या है और इस क्वेश्चन के अंदर कैसे निकालोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता आपको, यदि आपको फॉर्मूला पता है कि बी इसमें क्या फॉर्मूला लगता है और यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर बी का क्या मतलब है, डब्ल्यू का क्या मतलब है, आई का क्या मतलब, एल बी का क्या मतलब, अगर मतलब पता है तो आपको क्या करना है इसमें से उठाकर बस सूत्र के अंदर लिखना और आपको सोल्व करना मैथमेटिक्स की तरह। तो देखिए यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, आधार पता। क्या होता है बी का मतलब, आधार पता होता है। आधार पता का मतलब देखिए यहाँ पर क्या दिया मैंने, आधार पता। आधार पता कितना है यहाँ पर अपने 1020 आ रहा है। डब्ल्यू बराबर क्या है, एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज बाइट। क्या एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज बाइट किस में होगी, बाइट में होगी, स्टोरेज बाइट। मतलब डब्ल्यू का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो मेमोरी के अंदर जो बाइट में होगी, एक तो क्या होगी बाइट में होगी, उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज बाइट। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए इसको, और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट के रूप में क्या हो गया, मैंने क्या कहा यहाँ पर, मतलब तत्व का, मतलब तत्व का आकार, यहाँ पर देखिए तत्व का, किसका तत्व का पता, ठीक है तत्व का पता क्या है आकार ये रहा, तो किस में होगा 2 बाइट में, यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है 2 बाइट में, यहाँ पर क्या दे रखा बाइट में, तो ये बाइट में 2 चीज़ पता होगी हमारे। फिर आई, जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना है उसका सब स्क्रिप्ट, क्या जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना है उसका सब स्क्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पर तत्व का पता ज्ञात करना है, अब देखिए इसमें पढ़िए एक एरे 1300 से 1900 का आधार पता 1020 और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट के रूप में 2017 का पता ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना हमें 2017, ज्ञात क्या करना हमें 2017, और क्या करना हमें जिसमें आई का मतलब भी क्या होता है जिसका पता ज्ञात करना उसका सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट यानी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये क्या हो गया आई हो गया, 3 चीज़ें पता होगी। अब चौथी पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो एल बी का मतलब क्या होता है निचली सीमा, निचली सीमा और ज्ञात नियमों पर क्या हो गया 0 यानी 0 माना जाएगा, ठीक है। तो निचली सीमा मतलब क्या होता है कि एक एरे में नीचे वाली सीमा क्या 1300 और ऊपर वाली क्या 1900, ये नीचे की या ऊपर की, ठीक है यहाँ पर, तो नीचे की क्या होगी ये वाली होगी, कौन सी वाली होगी आपके ये वाली होगी आपके, तो चारों चीज़ हमें पता होगी नीचे क्या होगी 1300, अगर यहाँ पर अगर नहीं दिया होता तो क्या हम मानते 0। तो ये तो हो गया आपके चारों चारों चीज़ें यहाँ पर, कि यहाँ पर बी का मतलब क्या है, ठीक है बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एल बी का मतलब क्या है, ठीक है, और हमें ये चीज़ें रखनी है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, ठीक है वापस बता दूँ एक बार सुन लीजिए अच्छे से, कि हमारा जो क्वेश्चन हो क्या है एक एरे में 1300 से 1900 का आधार पता 1020 है और प्रत्येक तत्व का आकार मेमोरी में 2 बाइट के रूप में, ज्ञात क्या करना हमें 2017 का पता क्या करना, हमारे पास क्या कि एक हमने जैसे मान लीजिए एरे लिया और उसका 1700 साइज दे दिया तो उसका एड्रेस क्या होगा वो ज्ञात करना हमें, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या है ये वाला, तो हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, और हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ये वाला, क्या ज्ञात करना है AI, क्या ज्ञात करना है AI हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखिए AI ये क्या है ज्ञात करने वाला, ज्ञात करने वाला हमेशा क्या होता है लेफ्ट साइड में, और जो ज्ञात जिसके लिए और जो संख्या वो आपके राइट साइड में लिखते हैं, तो क्या हुआ फॉर्मूला क्या हुआ B+। देखिए अच्छे से समझिएगा इसको, वैसे ज़्यादा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा इग्नोर करोगे अगर फोकसली नहीं देखोगे तो आपसे समझ में नहीं आएगा। B+W मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ फॉर्मूला उतार रहा हूँ, ठीक है, और I माइनस LB ये आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है बराबर लगा के यहाँ पर B क्या आधार पता, तो आधार पता हमारा क्या है 1020, हमें क्या किया 1020 रख दिया प्लस का सिंबल लगा दिया। W बराबर क्या है उपस्थित तत्व की स्टोरेज बाइट में, तो बाइट में क्या हमारे 2 बाइट है तो मल्टीपल प्लस क्या हो गया 2, फिर किसका सिंबल है मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये आप स्टार में समझना कंप्यूटर में ये ऐसा ही मल्टीप्लाई का सिंबल लगता है, मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमारे क्या है आई,
आई का यहाँ पर देखिए मतलब क्या होता है। आई का मतलब होता है जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना है उसका सब स्क्रिप्ट, जिसमें तत्व का पता करना, तत्व मतलब जो एलिमेंट हमारे इंग्लिश में एलिमेंट और हिंदी में तत्व बोलते हैं उसे, जिसमें तत्व का पता ज्ञात करना उसका सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट ज्ञात क्या करना हमें, ये इसका सब स्क्रिप्ट क्या 1700। तो आई बराबर कितना हो गया 1700। फिर यहाँ पर क्या माइनस एल बी, क्या है माइनस एल बी। अब एल बी देखिए, एल बी ज्ञात करने, तो एल बी क्या है निचली सीमा, ज्ञात ना होने पर शून्य हमारे पास है, नीचे वाली भी है ऊपर वाली भी है। तो निचली सीमा क्या होगी, जो ब्रैकेट के अंदर एक एरे, एरे की नीचे वाली सीमा और ऊपरी ऊपर वाली सीमा दोनों है। यहाँ पर नीचे वाली सीमा क्या है 1300, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर एल बी का मतलब 1300। ये होगी हमारी बातें यहाँ तक। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर, सिर्फ वो सिर्फ इतना ही काम किया है कि जो फॉर्मूलों में, जो फॉर्मूले में जो हमारे जो एलिमेंट है बी डब्ल्यू आई एल बी उसके जगह पर उसका मान रखा है, इट मीन्स यहाँ पर आपकी संख्या रखी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए हम कैसे करते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर 1020 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1700 में से 1300 जाते हैं तो कितने बचते हैं 400। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि क्या करेंगे हम, 1020 प्लस 2 को 400 से, मतलब 2 को 2 को 400 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे मतलब गुणा करेंगे तो क्या हो गया 800। ठीक है, 800 हो गया। अब क्या कर देंगे प्लस कर देंगे इसमें, किससे 1020 से, तो प्लस करते हैं तो क्या आया 1820। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्या हुआ ये आपका आंसर हुआ। समझ में आ गया होगा मेरी आइडिया से बात, नॉर्मल से आपको कैलकुलेशन किया आपने यहाँ पर। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, यहाँ पर वापस समझा देता हूँ मैं एक बार के लिए आपको। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बी देखिए बी प्लस डब्लू मल्टीप्लाई आई माइनस एल बी। बी का मतलब हमें पता है क्या, आधार पता, आधार पता क्या आपका 1020। डब्लू का मतलब 2 बाइट, हमने यहाँ पर देख रखा है 2 बाइट बाइट में, तो 2 बाइट। आई का मतलब हमें पता है कि जिसका ज्ञात करना, ज्ञात क्या करना है 1700, तो उसका सबस्क्रिप्ट, उसे सबस्क्रिप्ट 1700। माइनस एल बी, एल बी क्या है हमारे निचली सीमा 1300 रख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 1700 माइनस 1300 बराबर 400, और 400 मल्टीप्लाई 2 आया मतलब कितने हैं 800, और 800 प्लस 1020 कितने 1820। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, कुछ को पता भी है ये चीज़ें, ऐसी बात नहीं कि नई चीज़ बता रहा हूँ, बहुत से बच्चों को पता भी है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होती। इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कैलकुलेशन करते हो, जब भी आप यहाँ पर कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ पर देखिए बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए मैं अगर चाहूँ ना तो इसके अलग भी मतलब निकल सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, देखिए एक मिनट एग्जांपल के तौर पर देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ 1020 प्लस 2 कर दिया मैंने तो क्या हुआ 1022। ठीक है, मल्टीप्लाई आपके यहाँ पर कितने हुए 400, तो कितने हो गए आपके यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लिए। ठीक है, तो 4 दुनिया 8 जीरो छो 4088 और इतने कुछ आते हैं लगभग, समथिंग इतने लगभग कुछ आते हैं, मतलब कुछ अलग ही मैटर यहाँ पर निकलता है। ये मैंने आपको एग्जांपल देख समझाया, ऐसा होता नहीं है, मतलब यदि आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, इस फॉर्मूले के तहत, मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर नहीं चलते हो, कैलकुलेशन नहीं करते हो, तो आपके जो है आंसर जो आपसे ही करते हो, लेकिन वो अलग आते हैं, रॉन्ग आते हैं। क्यों आते हैं, देखिए कौन सा फॉर्मूला है आपका, एक फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए बोर्ड मास का नियम, नाम तो सुना होगा आपने बोर्ड मास, एक बोर्ड मास का रूल्स होता है, सुन भी रखा होगा आपने बोर्ड मास का रूल्स। अब देखिए बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है, कईयों को पता है कुछ को नहीं भी पता है, पता वो भी देख ले, नहीं पता वो भी देख ले, बहुत ज़्यादा इसमें आपको फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। देखिए बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ए का मतलब होता है एडिशन,
और एस का मतलब था सबस्ट्रक्शन, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। ये जो आपके जो है ये आपके क्या है, बोर्ड मास का रूल्स, ठीक है। अब देखिए, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है, लेकिन मैं आपका ये सजेशन दूंगा यहाँ पर कि आप इस चीज़ को नोट कीजिए रजिस्टर में और इसको माइंड में रखिए, आप लोग काफ़ी ज़्यादा फायदा रहेगा आपके, वरना आप रोंग करके आ जाओगे आते हुए भी, इतनी मेहनत करने के बाद में भी जब लास्ट स्टेज पर पहुँचते हो, कहते ना ये सचिन की तरह कि 99 बनाने के बाद 100 से चूक गया, 99 पर आउट हो गया, तो वो बातें हो जाएगी। सब कुछ करने के बाद में, याद वगैरह करने के बाद, समझने के बाद में लास्ट जो कैलकुलेशन है वो गलत आ गया, तो क्या फ़ायदा होगा, कोई फायदा नहीं। इससे तो देखिए, बी फॉर ब्रैकेट, ऑफ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन यानी आप भाग दोगे, और एम फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा करोगे, ए फॉर एडिशन यानी जोड़ करोगे, सबस्ट्रक्शन यानी माइनस करोगे, घटाओगे, बाकी करोगे। अब देखिए, आपके इसके अकॉर्डिंग चलना है कि सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे। यदि ब्रैकेट है तो, यदि फॉर्मूले में ब्रैकेट है तो सबसे पहले क्या करोगे, हैंडल, आप ब्रैकेट को हैंडल करोगे, ब्रैकेट को सोल्व करोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए 1020 का 20 लिखा, 2 का 2 लिखा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को सोल्व किया, 1700 से 1300 गए 400, सोल्व, ये चीज़ें क्या होगी, कंप्लीट होगी। उसके बाद ऑफ डिवीजन, मतलब उसके बाद में क्या होता है कि फॉर्मूले में यदि डिवीजन है मतलब भाग है, तो पहले भाग करोगे, तो यहाँ पर भाग तो है नहीं, ये आपके फाइनल भाग नहीं है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई है, तो हमने क्या किया, 400 से 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ब्रैकेट से 12 तो होता है लेकिन यहाँ पर 2 लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 इंटू 2 मतलब 800 हो गया। उसके बाद क्या एडिशन है, क्या, यस एडिशन है, एडिशन है यहाँ पर, तो क्या हो गया, वैसे लास्ट टाइम बच्चा भी एडिशन है, और यदि मान लीजिए 2-3 आपका होता है, जैसे मान लीजिए माइनस हो रहा, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो रहा है, तो आप एडिशन ही करोगे, तो 800 प्लस 1020 1820, और लास्ट में आप क्या करोगे, सबट्रैक्शन करोगे। क्लियर है बातें, ये बात मेरे आइडिया से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करते हुए इस जो प्रोग्राम है आपका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन करोगे आपके जो ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके 1D एरे का, कौन से एरे का, 1D एरे का, मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ यहाँ पर आपके सामने, 1D एरे कौन सा है, 1D एरे। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पर 1D एरे के बारे में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, आपको एक क्वेश्चन आया, और ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे नहीं है, ये जो क्वेश्चन है बहुत सी बार आता भी है, और अभी आपके लास्ट एग्जाम में, 12th के लास्ट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपके 2D एरे का आया था, किसका आया था, 2D एरे का आया था, लेकिन हो सकता है अगली बार, इस बार आपके 1D एरे का आ जाए, हो सकता है 2D का आ जाए, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न नहीं, इस चीज़ को आप अच्छे से क्लियर करोगे, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर बताई है, एक एक चीज़ को फॉलो करोगे, किस चीज़ को, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सूत्र को, मतलब जो फॉर्मूला है इस चीज़ को आपको ध्यान में रखोगे, फिर उसके बाद में जो सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे जो सूत्र आता है, फॉर्मूला आता है, दूसरे नंबर पे जो आता है आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि बी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, एल पी का मतलब क्या है, ठीक है। तीन दो चीज़ें होगी, तीसरा क्या है, आपको यहाँ पर प्रोग्राम, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है हमने, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आधार पता है बी का मतलब ये है, मतलब बी का मतलब ये होना चाहिए आपका, डब्ल्यू का मतलब ये है, यहाँ पर बाइट होती है, आई का मतलब ये सबस्क्रिप्ट होता है, और बी का मतलब आपके यहाँ पर नीचे वाली सीमा ये होती है, ये नीचे वाली सीमा, ये आधार पता है, ये 2 byte स्टोरेज है, ये आपको ज्ञात करना है, तो 1700 ये आपको पता होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पर आपके जो बात आती है वो ये आती है कि आपको ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए, और कौन से तरीके से करना आता है, वैसे आप 12th में हो, 10th तक आपने मैथ भी रही है आपके, तो आपको कैलकुलेशन करना आता होगा, लेकिन फिर भी बच्चे क्या होते हैं कि भूल जाते हैं, माइंड से निकल जाते हैं 1-2 सालों में। तो आप इस रूल्स को फॉलो करते हुए आप इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर है। और कल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपके सामने, आप इसे पहले नोट कर लेना पॉज करके, और अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, यहाँ पर आपके जो है 1500 से 1900 आधार पता जो है आपके जो रहेगा 2020, और बाइट का साइज 2 ही रख रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो ये जो 1700 का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 1800, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा, आज का जो आपका होमवर्क है,
ये जो चीज़ सीखी आपने, आपका ये जो होमवर्क है इसका आप अच्छे से करोगे, ठीक है, अच्छे से इसको नोट करोगे और कल आके इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर हम 2D के बारे में इसको जानेंगे, समझेंगे, करेंगे, ठीक है। तो आपका ये जो क्वेश्चन आज का जो क्वेश्चन है वो आपका ये है, ये एक एरे में 1500-1900 आधार पता 2020 प्रत्येक तत्व आकार 2 बाइट में और 1800 ज्ञात करना है। तो ठीक है, आपको कल ये होमवर्क करना है और पता करना है कि आपको कितना आता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी लास्ट टाइम में, बहुत से बच्चे को बताने के बावजूद भी ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग करके आए फाइनल एग्जाम, बताने के बावजूद ही गलती उनकी क्या रही कि उन्होंने प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं। हाँ सर आ गया समझ में, क्लियर है, लेकिन घर पर प्रैक्टिस करके नहीं देखते हो। अब घर पर प्रैक्टिस करके नहीं देखते हो तो इसका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इसको प्रैक्टिस करोगे कम से कम 4-5 प्रोग्राम, आप 4-5 क्वेश्चन इसके सोल्व करके देखोगे तो आपके ये जुबानी रेटाफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।